सिंह, मैं ब्रह्म चरोहा आपके लिए प्रॉमिस पूरा करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ है बॉलीवुड से मेल खाते हुए नाम के मिस्टर आमिर खान, जिन्होंने अबंडेंस एजुकेशन सिस्टम का एक कोर्स किया इंग्लिश में, और आज वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। अब मैं उनसे मुलाकात करके और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं कि ये कोर्स करके उनको कैसा फायदा हुआ। हेलो व्यूअर्स, मैंने इंग्लिश अबंडेंस कोर्स किया है एंड आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप भी इस कोर्स में इन्वॉल्व करें। द बेस्ट पार्ट इज कि अर्लियर मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आई बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इंग्लिश। इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, यू नीड टू नो हाउ टू प्रोनंशिएट वर्ड्स, यू नीड टू नो हाउ टू make sentences, you need to know how to deliver yourself in a confident way to other person. Thank you so much! मुझे बहुत खुशी हुई मिलकर आपसे। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अबंडेंस एजुकेशन सिस्टम की ओर से ब्रह्म शरोहा आपके समक्ष जबरदस्त आपकी लर्निंग होने वाली है, मतलब अर्निंग होने वाली है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी सीखें और पावर, मनी, फेम, ये सब भी आपको मिले ही मिलेगा ही अगर आप प्रयत्न करेंगे। तो आज के वीडियो नंबर 9 में हम सीखने वाले हैं द WH फैमिली और करेंगे कुछ गप शप, पर वो तो होगी इस वीडियो के एंड में, अंत में। और एक दो बढ़िया गोल्डन टिप्स भी मैं आपको दूंगा, शेयर करूंगा। चलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और मेरा आग्रह है कि पूरी देखिए, और मैं चाहूं तो आप 5 बारी देखिए। जो भी लर्नर्स जहाँ कहीं भी हैं, जिस लेवल पर भी हैं, वीडियो को तो अंत तक देखना ही है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये WH फैमिली? देखिए, 4 नहीं 6 ये भी हमारे दोस्त हैं। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, है ना? 6 आपके सामने। हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, व्हाई मतलब क्यों, और हाउ मतलब कैसे, ये सब आपके स्क्रीन पर। आपके लिए मैंने बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा सीखना सरल कर दिया है, बहुत ही धीमी गति में, आसान भाषा में, ताकि आप सीख लें फटाफट। मगर 1000 वर्ड्स, शब्द, 1000 घंटे, माफ़ कीजिए, और 3000 वर्ड्स, ये तो आपको सीखने पड़ेंगे, तभी आप अल्फाबेट, उसके बाद वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस, और फिर पैराग्राफ्स, ये भी धीरे धीरे आप सीखेंगे। मानिए मेरी बात को और इनको बना लीजिए अपना दोस्त। और अब याद करते हैं वो 7 फ्रेंड्स भी जिनको आपने पिछले वीडियोस में देखा था। क्या आपको याद है वो 7 फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5 5 4 2 3 4 1। कोई बात नहीं, आपका दोस्त आपको बताने के लिए तैयार है। वो क्या थे? ही, शी, इट, आई, एंड यू, वी, दे। ही मतलब वो, शी मतलब फीमेल वो, इट मतलब कोई बेजान चीज, यू मतलब प्लूरल आप लोग, यू आप, और वी मतलब हम, और दे मतलब वो, प्लूरल। सही है, ये है हमारे। और आई तो बहुत जरूरी है, तो ही, शी, इट, I, you, we, they, ये 7 भी आपके फ्रेंड्स हैं। और मैंने आपको कुछ वर्ब्स भी सिखाए थे, is, am, are, और was, and were,
और इनके लिए मैंने आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बनाने सिखाए थे, जैसे कि ही इज कुछ भी आगे लगा दीजिए, ही इज ए बॉय, ही इज हियर, ही इज देयर, इसी तरीके से शी को यूज कर लीजिए। आई के साथ भी लगेगा वॉज या वर, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, या फिर आई वॉज लेट, आई वॉज अर्ली, कैसे भी ये सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। चलिए ये तो हो गया थोड़ा रीकैप, थोड़े पिछले वीडियोस की बातें, ताकि ये आपकी रिवीजन हो जाए। बहुत ज़रूरी है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। आपकी डायरी है ना आपके पास और पेन, लिखते जाइए और मेरे साथ गुनगुनाते जाइए। हु को कैसे यूज करेंगे, हु इज देयर, वहाँ कौन है, वॉट डू यू वॉन्ट, आपको क्या चाहिए, व्हेन डिड यू कम, आप कब आए, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए, व्हाई आर यू नॉट लर्निंग, आप क्यों नहीं सीख रहे, हाउ कैन वी बिकम ए जीनियस, हम जीनियस कैसे बने। इसी तरीके से आप सेंटेंसेस को सीखते जाएंगे, इनको आप 6 नए फ्रेंड्स को भी अपना लें और कमेंट बॉक्स में एक एक सेंटेंस हर एक के साथ बना के लिखिए। मुझे बहुत खुशी होगी ये आपसे शेयर करते हुए। अब कुछ शब्दों का तो हमने प्रयोग करना ही है भाषा में, नहीं तो हमारा 3000 का आंकड़ा कैसे पार होगा। मुझे तो लगता है हो जाएगा, आपको क्या लगता है, बताइए बताइए। आप सीखेंगे, मुझे खुशी होगी, हमें खुशी होगी, हम और आप तो एक ही टीम है, सही। हम भी सिखाएंगे और इसके बाद में औरों को भी सिखाएंगे, राइट। तो चलिए, पहला वर्ड आपके स्क्रीन पे आ रहा है पेशेंस। इसको मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा, उसका मैं ट्रांसलेशन भी करके लिखूंगा और उसको हिंदी में भी लिखूंगा। तो पेशेंस का मतलब धैर्य, धैर्य बिल्कुल ज़रूरी है, धैर्य होना हमेशा, कोई भी मुसीबत के टाइम आपको धैर्य रखना तो ज़रूरी है। जैसे कि कोविड के टाइम में रखा था, वो साल तो चला गया, नया साल आ गया है और बिल्कुल सही, अब तो वो धूल उड़ चुकी है कोविड की। धूल का मतलब सैंड होता है, और एक तरीके से और बोल सकते हैं कि धूर्त भी था। धूर्त का मतलब क्या, स्काउंड्रेल, ऐसे लोगों से तो बच के रहिए जनाब, और आप अंधेरे से आ जाइए धूप में, धूप का मतलब है सनशाइन, राइट। आपके आसपास कहीं धुआं तो नहीं, देखिए शायद कोई सिगरेट का धुआं हो, उससे तो बच के रहिए। तो धुआं इसका मतलब स्मोक, और आज आप सवेरे उठेंगे फिर कुछ काम करेंगे और शाम को तो आराम ही करेंगे, शाम को हम बोल सकते हैं इवनिंग। और मैं ये चाहता हूँ कि आप में धीरज बढ़े, आप में धीरज बढ़ेगा तो ज़िंदगी आगे फर्राटेदार से चलेगी। तो टॉलरेंस का मतलब धीरज, और वो आपको कभी कभी शर्म आती है क्या, मुझे भी आती है, शर्म का मतलब तो शेम है। अब देखिए ना, चाइना ने किया हमारे ऊपर बॉर्डर्स पे धावा, क्या था वो धावा, धावा का मतलब अटैक। और एक और भी वर्ड इसके लिए हो सकता है फोरे, FORAY, ये तो नया ही शब्द है, इसको आप जरूर देखिए, गूगल कीजिए, मीनिंग निकालिए इसका भी, कई मीनिंग हो सकते हैं एक ही वर्ड के। चलिए मैं आपके घर पे आऊँ तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, घर का मतलब हाउस। और हमारे जो किसान लोग यहाँ आज अकल आए हुए हैं, उनका धान तो नष्ट हो रहा होगा, धान का मतलब पैडी, PADDY, और हमारे देश की धरोहर, हमारे देश की धरोहर है हमारी आर्मी, यह है हमारी शान। धरोहर का मतलब हेरिटेज, HERITAGE, बहुत बढ़िया। इसके आगे चलते हैं धमनी, धमनी क्या होता है, ये होते हैं नर्व्स, ये हमारी हमारे शरीर में जो दौड़ रही हैं धमनी, इसमें आपका चल रहा है रक्त तेजी से, जब आप एक्साइट होते हैं तो धमनियों में रक्त तेजी से चलता है, धमनी मतलब नर्व। हमारा देश
सेक्युलर है, मतलब धर्म निरपेक्ष है, और ये ध्वनि मतलब की आवाज, साउंड, ध्वनि मतलब साउंड आपके कानों तक पहुंचे, बार बार पहुंचे, और आप हर रोज हमारा फ्लैग मतलब ध्वज इसको जरूर फहराएं, और बिल्कुल ना सोचें कि जो चमोली में ध्वंसता हुई है मतलब डिस्ट्रक्शन, इसके बारे में आप ना सोचें, जो हो गया तो हो गया। अब आखिरी वर्ड आपके सामने आ चुका है और वो है अटेंशन। तो मेरी बात ध्यान से सुने, बस इस वीडियो को अंतिम चरण देने का समय आ गया है, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें, जल्दी सीखें, खूब धन कमाएं, अच्छे रिलेशनशिप्स और खुश रहें, और एक टीम जरूर बनाएं। आप उस टीम को, मेरी टीम से जुड़ना है। अब हमें विदा होना है एक दिन के लिए, कल फिर आपके लिए नया वीडियो आएगा, और मैं अब आपसे ब्रह्म शर्मा अनुमति मांगता हूँ जाने के लिए, ताकि मैं भी आज का कार्य शुरू कर सकूँ। सो धन्यवाद आपका देखने के लिए इस वीडियो को। बाय बाय।